आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो कुछ दिल्ली में वायलेंस कल हुआ और अभी हो रहा है ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। अगर बीजेपी का एक्स एमएलए कंसर्न डीसीपी के साथ खड़े होकर एक अल्टीमेटम देता है तो वो अपनी जाति तरफ से नहीं कह रहा है, बल्कि उसको उसकी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि तुम कंसर्न डीसीपी के साथ खड़े होकर इस तरह का अल्टीमेटम देना। मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि दो दिन पहले से ही पत्थर उतारे गए, और जब एक एक्स एमएलए खड़े होकर अल्टीमेटम देता है तो उसका नतीजा आप और हम ये देखते हैं क्या हो रहा है। और तीसरी बात यह है कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ट्रंप भारत को आए हुए हैं, एमईए की तरफ से कहा जा रहा है कि विजिट की बुरा है और गड़बड़ हो रही है, तो फिर आपने कॉशन एक्सरसाइज क्यों नहीं किया जब आपको मालूम था कि ट्रंप के विजिट के वक्त ये सब इंफॉर्मेशन थी, तो आपने एक्सरसाइज क्या किया? आपने कितने पुलिस को जमा किया, कितने पैरामिलिट्री फोर्सेस को आपने बुलाया? और खुलेआम छोड़ देना और मॉब जो है जाकर किसी को मार रहा है, दरगाह को जला रहा है, यानी ये तो पूरे उसके वीडियोस हैं। इसको एक इसको कम्युनल राइट कहना गलत है बिल्कुल, ये कम्युनल राइट नहीं है, ये तो गवर्नमेंट इन पावर की तरफ से पूरी तायद की जा रही है लोगों को, क्या वॉयलेंस करो कुछ नहीं होगा। आपने हमने पूरी दुनिया ने देखा उन विजुअल्स को कि चार लड़के नीचे पड़े हैं और पुलिस की तरफ से उनसे कहा जा रहा है कि जनगण मन पढ़ो, उनसे कहा जा रहा है कि तुम वंदे मातरम पढ़ो, और पुलिस कह रही है कि तुमको आज़ादी चाहिए। जख्मी पड़े हैं वो चार के चार बच्चे। क्या सिटीजन्स की डिग्निटी यही है अमित शाह के पास? हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि 2002 का एक तल तजुर्बा उस वक्त के चीफ मिनिस्टर और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हुआ होगा, अमित शाह को भी होगा, क्योंकि उस वक्त एमओएस होम थे, मगर कुछ तजुर्बा हासिल नहीं किया लोग। अब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई कंडेमनेशन नहीं होता है, 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज को जला दिया गया, ये तो गवर्नमेंट खामोश क्यों है? वीडियोस निकल रहे हैं, नीचे नौजवान लड़के पड़े हुए हैं, क्या सिटीजन्स की डिग्निटी कुछ है ही नहीं है? और मारकर पुलिस उनसे कह रही है, और फिर कई वीडियोस हैं कि पुलिस खुद पथराव कर रही है, बल्कि पुलिस शय दे रही है, प्रोवोक कर रही है लोगों को कि मारो बंडे, पत्थर उठाकर मारिए। तो इसको कम्युनल राइट नहीं कहा जा सकता, ये कम्युनल राइट नहीं है। सर आप कम्युनल राइट की बात कर रहे हैं, कम्युनल राइट किसको नहीं बोला जा सकता, लेकिन आप भी बोल रहे हैं कि मजार जलाया गया। टाइमिंग को लेके ये जो वक्त है, इस वक्त को लेके इस तरह की चीजें करना, एक मुसलमान युवक पिस्टल लेके सरेआम लहरा रहा है, पुलिस की बिल्कुल बिल्कुल सही है, सब है ना। जब आपको आपको बतौर एक एमपी, एक डिसिप्लिन्ड एमपी, आपको कई बार नवाजा गया है बेस्ट एमपी के, उससे आप कंडेम नहीं करना चाहेंगे इस चीज को? मैं कल ही कंडेम किया हूँ, मैं कल रात में ही वायलेंस को कंडेम किया हूँ। आपके सवाल के जवाब में ये कह रहा हूँ कि जब बीजेपी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि विजिट के दौरान ये गड़बड़ होती है, तो फिर आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन थी तो आपने रोका क्यों नहीं? आप ही का एक्स एम एल ए डीसीपी के साथ खड़े होकर, क्या उस एक्स एम एल ए को नहीं मालूम कि ट्रंप आ रहा है? क्या वो एक्स एम एल ए ये खड़े होकर डीसीपी के साथ जब ये अल्टीमेटम देता है, वो अकेला कह रहा है कि उसकी पार्टी ने उससे कहा है? वो खड़े होकर कंसर्न डीसीपी के साथ कहता है कि अल्टीमेटम देता है? केस तो दर्ज हो गया सर। क्या दर्ज हुआ? आपने तो पूरा माहौल को खराब कर दिया ना, आप खड़े होकर पूरे माहौल को खराब कर दिए। और आप देखते जाइए पुलिस का जो रवैया है, जामिया मिलिया में घुसकर मारते हैं, एक बच्चे की आंख चले जाती है, जेएनयू में स्टूडेंट्स को पीटा जाता है और वो आराम से निकल जाते हैं, वकीलों से लड़ाई होती है, पुलिस कुछ रिएक्ट नहीं करती और पुलिस धरना देती है, और फिर कल और जो वीडियोस आ रहे हैं, क्या हो रहा है फिर? चाहे कोई भी रहने दो, किसी को भी इख्तियार नहीं है वायलेंस करने का, मगर ये शुरू कहाँ से होता है? अभी तक सरकार की तरफ से कंडेमनेशन क्यों नहीं होता है? सर
आपको क्या लगता है ये साजिश है हिंदुस्तान की इमेज खराब करने की? भाई ये साजिश अगर है तो फिर इसके लिए आपने रोका क्यों नहीं? आप खामोश क्यों है इतना? सरकार खामोश क्यों है? कैसे आपका एक एमएलए एक्स एमएलए कंसर्न डीसीपी के साथ खड़े होकर अल्टीमेटम देता है? कैसे आपकी पुलिस इस तरह का बर्ताव करती है? बच्चों को नीचे मार मार कर लिटा कर आप कहते हैं जनगण मन पढ़ो, वंदे मातरम पढ़ो, नारा लगाओ, तुमको आजादी चाहिए। कोई डिग्निटी है नहीं है सिटीजन्स की। फायर इंजन्स नहीं आते क्योंकि वो कहते हैं कि पुलिस हमको प्रोटेक्शन नहीं दे रही है। पूरी मार्केट जल गई, टायर की पूरी मार्केट बर्बाद हो गई। ये कैसे हो रहा है भाई? कैपिटल है ना पूरा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। अच्छा कर्फ्यू आपने क्यों इम्पोज नहीं किया जल्दी? मैं ये कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, ये कम्युनल राइट नहीं है, इसको कम्युनल राइट बोलना गलत होगा। ये बाजाबता एक तरीके से मुनज्जम तरीके से प्लानिंग करके पूरा किया गया है और तमाशा ही बनी बजी है सब लोग। क्या आप इसको कह सकते हैं कि एनडीसीए प्रोटेस्टर्स और एक बात बताइए ये तो डिफरेंशिएशन बिल्कुल बेवकूफी की बात है। प्रो सीए तो गवर्नमेंट ही हो गया ना फिर, अगर आप करेंगे प्रो सीए तो गवर्नमेंट हो गया फिर, तो फिर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है क्या इसमें? बताइए आप, अगर कोई करेगा प्रो सीए, बिल्कुल भाई तो यही कह रहा हूं ना, तो प्रो सीए एंटी जाने प्रो सीए जो है गवर्नमेंट हो गई फिर वो। यही तो मैं कह रहा हूं कि आपका एक्स एमएलए डीसीपी के साथ खड़े होकर ये बकवास करता है, अल्टीमेटम देता है, थ्रेट देता है। मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि पत्थर उतारे गए, वीडियोस हैं कैसे उस दरगाह को जलाया गया, सबके वीडियोस हैं, लड़कों को मारा पीटा गया। आप बताइए कि अनुराग ठाकुर जो बयान दिए थे, कि अनुराग ठाकुर का पर्सनल बयान था? नहीं था अनुराग ठाकुर का पर्सनल बयान, हो उनको बोला गया था, ये इनका एक एमएलए जो कहा वो बात उसका पर्सनल नहीं था, उसको पार्टी ने कहा था। अब सुनिए आप, अब इसके बाद क्या होगा? एक दो दिन के बाद मोदी जी आएंगे और मन की बात कहेंगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, फिर खामोश हो जाएगा। साइलेंस कब तक मेंटेन करेगी गवर्नमेंट? ये साइलेंस क्यों मेंटेन कर रहे? अब तक कंडेमनेशन क्यों नहीं आता सरकार की तरफ से? आखिर इतनी देर क्यों होती मीटिंग लेने के लिए? क्यों पुलिस को नहीं उतारा गया? ये हमारा देश का कैपिटल है, ये कोई विलेज नहीं है, कोई गांव नहीं है, देश का कैपिटल है सर ये। और पूरा नॉर्थ ईस्ट में इस तरह की बर्बादी होती है तो फिर क्या क्या मैसेज जा रहा है? इसीलिए कम्युनल राइट कहना गलत होगा इसमें। सर पार्लियामेंट में कांग्रेस किशन रेड्डी साहब आपके बगल की कांस्टिट्यूएंसी से एमपी भी हैं, मिनिस्टर है, कलीग नहीं है वो, सरकार मिनिस्टर है वो, ये बोलिए ना। पार्लियामेंट में और मिनिस्टर भी हैं, एमएस होम है, थोड़ी देर पहले हैदराबाद में ही उन्होंने कहा कि एक ओएसी क्या ऐसे 100 ओएसी भी आ जाएंगे तो सीए पीछे नहीं हटेगा। अरे वो छोड़ दो ना, आप ये वायलेंस क्यों हुआ उनको बोलो बोलो, उनकी नाक के नीचे वायलेंस हो रहा है। क्यों हैदराबाद में पड़े हुए हैं? जाइए दिल्ली को, दिल्ली को जाइए कंट्रोल करिए। यहाँ क्यों बैठ के मिठाई खा रहे हैं आप? कब तक मेरे नाम की मिठाई खाएंगे? जाइए, आपको एमओएस होम बनाया गया है, दिल्ली जाइए, दिल्ली को कंट्रोल करिए। 7 लोग मर चुके हैं, अभी अभी खबर आई कि एक और मॉब ने किसी को मार दिया, लोग मर रहे हैं। यहाँ वहाँ जाइए ना, दिल्ली को वहाँ जाइए, जाके आग बुझाइए वहाँ पर। कब तक मेरे नाम की मिठाई खाते रहेंगे? जो आपकी जिम्मेदारी वो नहीं कर पा रहे आप, कैसे क्या हो रहा है वो मिनिस्ट्री में? लोग बड़ी उम्मीद थे, वो लोग बीजेपी के लोग बोलते थे अमित शाह, क्या हो रहा है फिर बताइए? कैपिटल के अंदर एक नहीं जामिया हो गया, जेएनयू हो गया, इलेक्शन में इस तरह का बातें कही गई, अब कल जो हरकत हुई और आज भी हो रहा है, कंप्लीट नाकामी है इसमें बीजेपी एज अ गवर्नमेंट की, पूरी नाकामी, और वो जिम्मेदार है इसके। कम्युनल राइट इट स्टार्टेड बिकॉज ऑफ एन एक्स बीजेपी एमएलए, ही स्टूड शोल्डर टू शोल्डर विद अ कंसर्न डीसीपी हूज एन आईपीएस ऑफिसर and openly given ultimatum, and I am of the opinion and I firmly believe that that ex-MLA had the tacit approval of his party, and that is why he said that, and there that is the point where this violence started. There are media reports, genuine media reports, that stones
were brought in and kept at certain places. There are media reports, especially of your own network and your sister organization, Times of India photographer, wherein he was, when he was taking photographs, he was asked by these so-called pro-CAA protesters, ke kyun itna uchal kood kar raha hai, kya tu musalman hai, tera pant utha kar dikha. There are genuine specific media reports of a correspondent of Aaj Tak, wherein that poor girl was stopped and geared out. But for the cameraman, we don't know what would have happened to her. We have seen videos of four youths lying on the ground after having been beaten by the police, wherein the police people are telling them to recite Jan Gan Man. Is this a respect for what is the dignity of a citizen? That injured people are lying on the ground and the police is telling them, read Jan Gan Man, read Vande Mataram, tumko azadi chahiye. Where is the dignity of a citizen? And why is the government quiet on it? And if the government believes that a foreign dignitary is coming to India, then why? If you had specific information, why didn't you have enough police forces? Why didn't you impose curfew immediately? Why did you allow that whole tire market to be burned down? Why didn't you give protection to the fire engines to go and extinguish that fire over there? That is why I say that this is not a communal right. This cannot be called a communal right. सर एक नमस्ते ट्रंप जो हुआ और जो पूरा आयोजन हुआ या उनका विजिट उनके विजिट को लेकर भारत के हक में क्या सोचते हैं कि अच्छा साइन है सर दिल्ली जल रहा है आपको ट्रंप की फिक्र है नहीं दिल्ली जल रहा है भारत के नहीं भारत के कैपिटल के रहने वाले लोगों का घर जल रहे हैं गरीब पिट रहा है पूरी मार्केट जल रही है और मैं क्या बोलूं सर मुझे अपनी देश की फिक्र है मुझे देश की राजधानी में जो ये जो नंगा नाच हो रहा है उसकी फिक्र है मुझे फिक्र नहीं है ट्रंप की मुझे हर किस फिक्र नहीं मुझे अपने देश की जनता की फिक्र है सिटीजन की डिग्निटी की फिक्र है गरीबों की फिक्र है उस पर तो कोई बात करिए ना उस पर क्यों नहीं बात किया जाता है कब तक हम लोग सिर्फ गोरी चमड़ी को देखकर खुश हो जाते रहेंगे अरे भाई देश में जो हो रहा है कैपिटल में हो रहा है ना इससे बड़ा और बदबख्ती की बात क्या हो सकती है बताइए आप कितने लोग मरे वो भी नहीं बोलते आप कितनी जायदादों को जला दिया गया आपके सामने हो रहा है और अब तक खामोशी बैठी है सरकार कंडेम भी नहीं कर दी ये एक टिपिकल फॉर्मेट है और आप देखेंगे एक दो दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर आकर बोलेंगे क्या हो रहा है अपील कर रहा हूं मैं फिर ठंडक हो जाएगी अफसोस की बात है कि देश के कैपिटल में इस तरह की हरकत हो रही है इस तरह से लोगों को बेबस कर दिया जा रहा है निहत्थे कर दिया जा रहा है फोटोज आ रहे हैं कि बेकरी को लूटा जा रहा है सामान को लूटा जा रहा है क्या है बताइए आप जबकि यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे पावरफुल आदमी आया है यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट आया है और जैसा आप इल्जाम लगा रहे हैं कि सरकार खुद कर रही है स्टेट स्पॉन्सर्ड है तो कैसे कोई जो गवर्नमेंट है जो डिग्निटरी आया हुआ है दिल्ली में उसके चलते ऐसे कर सकती है अमेरिका में रिलीजियस फ्रीडम की हियरिंग होने वाली है तो ये तमाम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि हम इस देश में अपनी तरह से चलाएंगे आपके बोलने पर नहीं चलाएंगे इसका जवाब के सवाल का जवाब यही है क्या सरकार रोक सकती थी अपने कपिल मिश्रा को उसको एक्स एम एल ए को क्या सरकार इमीडिएटली कर्फ्यू इम्पोज नहीं कर सकती थी क्या सरकार के पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जब था कि विजिट होने वाला है और ये हरकत हो सकती है तो फिर आपने क्या रिएक्ट किया ये आपकी फेलियर है आप बताना चाह रहे थे कि हम इस तरह चलाएंगे हमारे देश को आपका साइलेंस क्यों है बताइए फिर इतना तो एक ही साइड से क्यों आप ये कर रहे हैं सर मुसलमानों में भी क्या होगा अरे आप मैं बोल रहा हूँ मुसलमान हिंदू आप बोल रहे हैं वो साइड से दोनों मैं क्या होगा? ये बताइए कि वो जो लड़के को मारा गया जिसको आपके जो रिनाउंड फोटोग्राफर है जो एक आदमी बीच में पड़ा हुआ है लटों से मारा जा रहा है कौन है भाई वो और जो एक्स एम एल ए का रिलीजन क्या है बताकर आप रिलीजन की बात करें कौन है वो नहीं अरे शुरुआत कहां से हुई फिर इतना इतनी तेजी के साथ ये बढ़ता है कैसे होते हैं कम्युनल राइट नहीं है प्रसाद साहब ये कम्युनल राइट नहीं है मैं बार बार कह रहा हूं आपको ये कम्युनल राइट नहीं हो सकता है आपका मीडिया के रिपोर्टर्स को पीटा गया उनसे पूछा गया कि तुम मुसलमान हो हिंदू हो
टाइम्स ऑफ इंडिया का रिनाउंड फोटोग्राफर का आज स्टेटमेंट अखबार में है, कितने लोगों के हिंदू अखबार में रिपोर्ट है कि कैसे एक रोक रोक कर नाम पूछ कर एक ऑटो वाले को मारा गया, बाद में मालूम हुआ कह रहे वो तो उस मजहब का नहीं है। क्या हो रहा है फिर ये? एक आदमी बंदूक भी लेके आ गया, बिल्कुल सही है, गलत है वो भी, बिल्कुल सही है, गलत है वो, मगर शुरुआत कहां से हो रही है? इतना सरकार चाहती रोक नहीं सकती थी इसको, आप नहीं रोक सकते थे इसको, कैपिटल ऑफ इंडिया में हो रहा है, एक एमओएस होम हैदराबाद में बैठकर मेरी तारीफ कर रहा है, इतना नाखलक है वो, उसका काम दिल्ली में है, यहां हैदराबाद में बैठ के मेरे नाम की मिठाई खा रहा है। सर लेकिन जो बयानबाजी है वो सिर्फ बीजेपी की तरफ से भी नहीं, अलग अलग पार्टियों की तरफ से भी उस तरह के बयान आते रहे हैं, और जिसको लेकर काफी ज्यादा कहा जा सकता है कि मल्टीपल अलग अलग पार्टियों से अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं जो सेंसिटिव इशू को और ज्यादा सेंसिटिव और वोलेटाइल कर रहे हैं। इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है CAA NPR NRC के खिलाफ, पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, इतने दिन से चल रहा है और चलेगा प्रोटेस्ट। ये कौन कर रहा है? आपने खुद दिखाया ना भाई, एक एक्स MLA DCP के साथ खड़े होकर अल्टीमेटम देता है, उसी वक्त DCP के रस क्यों नहीं किया उसको? तू कौन होता मेरी मौजूदगी में थ्रेट करने वाला? DCP के प्रेजेंस में वो थ्रेट करता, अल्टीमेटम देता है, क्या उस एक्स MLA को नहीं मालूम कि US का प्रेसिडेंट आने वाला है इंडिया को? क्या नहीं मालूम था उसको? बताइए आप। और फिर कंडेमनेशन क्यों नहीं होता, खामोशी क्यों है इतनी? MOS होम कहते हैं कि ये जो बार बार प्रोटेस्ट हुआ, कल रात में आपने भी एक प्रोटेस्ट रैली को एड्रेस किया था सर, और जगहों पर एक प्रोटेस्ट रैली हो रही है, कल दो हैदराबाद में प्रोटेस्ट रैली थी, ये प्रोटेस्ट रैलीज बेवजह की रैलीज हैं क्योंकि गवर्नमेंट का कोई इंटेंशन नहीं है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना, उनको निकालना, और जानबूझकर अपोजिशन पार्टी इंक्लूडिंग यू। मैं ये MOS होम से बोलूंगा कि दिल्ली जाइए, अपने मंत्रालय का चार्ज लीजिए, दिल्ली में पुलिस को भिजाइए, और जो वहां पर वायलेंस हो रहा है आप उसको रोकिए। आप दिल हैदराबाद में बैठकर वायलेंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, इससे साफ जाहिर हो रहा कि आपकी यहाँ मौजूदगी और दिल्ली में गैर मौजूदगी ये पैगाम दे रही है कि आपको भी मालूम था गड़बड़ होने वाली है। केजरीवाल सरकार का इस पे ब्लेम गेम में दिल्ली सरकार लगी। मैं तो यही आपसे कह रहा था, दिल्ली का जो वर्डिक्ट आया, मैं तो पब्लिकली इस बात को कहा था कि आज कंपटीशन क्या हो रहा है इलेक्शन जीतने के लिए, कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है, मैं तो ये बात कहा था आपसे, आपने उस पर भी तनकीद की, आपने उस पर भी आपने सवाल उठाए, अब देख लिया ना आपने। पर सर क्या ये नहीं लगता कि ये जो लॉन्गेस्ट जो धरना हो रहा है, ब्लॉकेट्स हो रहे हैं रोज रोड्स के, इससे लोगों को भी तकलीफ हो रही है, उसके अगेंस्ट में भी एक एंगल है? ब्लॉकेट का खुद सुप्रीम कोर्ट के इंटरलॉकेटर्स ने शाहीन बाग के सिलसिले में जाकर कहा कि पुलिस, दिल्ली की पुलिस और यूपी की पुलिस ने गैर जरूरी रोड्स को बंद किया है, वो इंटरलॉकेटर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हैं, तो रोड्स को खोलिए ना, कौन रोक रहा है रोड्स को? और अगर हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताइए आप? क्या बीजेपी ने अन्ना आंदोलन का सपोर्ट नहीं किया था? क्या हर जगह पे हुआ था, इंडिया गेट पे भी हुआ था, क्या बीजेपी ने UPA के जमाने में प्रोटेस्ट नहीं किया था? क्या अगर हम प्रोटेस्ट नहीं करते तो अंग्रेजों से आज़ादी मिलती आज हमको? और मैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी से एक ही बात पूछना चाह रहा हूँ, अगर आपकी सरकार नहीं होती, किसी और की होती और दिल्ली में वाकया होता, तो आपका रिएक्शन क्या होता बताइए आप? क्या रिएक्शन होता आपका? क्या क्या नहीं कहते आप सोच लीजिए। अब आप, हम तो ये उम्मीद लगा के बैठे थे, जो हम गलत उम्मीद लगा के बैठे कि आपकी मौजूदगी में हो रही हरकत ये, आप ही के एक्स MLA ये कहता है, हम फिर से बीजेपी से कह रहे हैं कि आप अपने आंगन में सांपों को पाल रहे हैं, और यही लोग आप देख रहे हैं क्या हो रहा है।
सर आज शाम में ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और ये भी कहा जा रहा है कि उनको ये सवाल पूछे जाएंगे, तो क्या इंटरनेशनल मंच पर जो है मैं क्या व्हाइट हाउस का स्पोक्स पर्सन हूँ कि ट्रंप से क्या पूछा जाएगा, कम कोर्ट क्या नहीं बोलना चाहिए? जो ट्रंप को गले मिलकर मिल रहे हैं उनको बोलना चाहिए ना, जिनको ले जाकर मुगलों की निशानी दिखा रहे हैं उनको बोलना चाहिए ना, हम क्या बोलेंगे भाई? पाकिस्तान का जिक्र किया था कल प्रधानमंत्री के प्रेजेंस में ट्रंप साहब ने अपने स्पीच में मोटेरा ग्राउंड में, काफी भव्य स्वागत था। मैं ट्रंप के विजिट के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, आज देश की राजधानी जल रही है, देश की राजधानी में इंसानियत सिसक रही है, देश की राजधानी में बीजेपी की नाकामी की वजह से ये वायलेंस नहीं हो रहा है बल्कि एक स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हो रहा है, वहां पर एक कम्युनल राइट नहीं है, मुझे इसकी फिक्र है। जिसको ट्रंप की फिक्र है, उनके विजिट की फिक्र है, वो देख ले, हमको आज इसकी फिक्र है, देश की जनता परेशान है आज वहां पर। आप